नमस्कार दोस्तों, नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। हमने अपने पिछले कंक्रीट बैचिंग के वीडियो में देखा था कि बैचिंग क्या है, बैचिंग के कौन कौन से टाइप्स है, जो मेनली वॉल्यूमेट्रिक और वेव बैचिंग। आज के वीडियो में हम देखेंगे वो दोनों का डिटेल कंपेरिजन। दोस्तों, ये एक वेव बैचिंग का प्लांट है, जैसे बैचिंग प्लांट है। इसमें आप देख सकते हैं साइलोज है सीमेंट और फ्लाइज के लिए। इसके साइड में मटेरियल स्टैकिंग का भी है, जैसे एग्रीगेट सैंड्स वो सैंड वगैरह वो सब है। वेव बैचिंग में जनरली कैसा मटेरियल जो भी है, सीमेंट सैंड हो, सीमेंट हो, एग्रीगेट हो, पूरा वे करके एज पर मिक्स डिज़ाइन वो मिक्स करते हैं। उसके हिसाब से ही बैचिंग होता है और कॉन्क्रीट का प्रोडक्शन होता है। तो ये है बैचिंग प्लांट, जस्ट वे बैचिंग का एग्जाम्पल के लिए। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं वॉल्यूम बैचिंग का एग्जाम्पल, एक ट्रेडिशनल बैचिंग है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 1M25 का मिक्सचर दिया गया है, जैसे 1-1-2, 1 सीमेंट है, 1 सैंड है और 2 एग्रीगेट्स है। तो ये जो एग्रीगेट्स और सैंड है वो गमीला से लाया जाता है। जैसे एक सीमेंट का बैग है तो ऑलमोस्ट 3 या 4 गमीला, वो वॉल्यूम के हिसाब से। गमीला अगर छोटा है तो 4 गमीला, अगर गमीला बड़ा है तो 3 गमीला। तो एक गुनी सीमेंट डाल दिया तो 3 गुनी आपका ये रहेगा सैंड रहेगा, और 6 गमीला आपका एग्रीगेट्स रहेगा। तो ये वॉल्यूम मैचिंग मतलब आपका गमीला के ऊपर है। इसमें इतना एक्यूरेसी नहीं रहती, सीमेंट बैग के हिसाब से वो डालते हैं सीमेंट एग्रीगेट और सैंड। और इसमें पानी भी वो कैन से अंदाज से ही डालते हैं, इसमें कुछ परफेक्शन नहीं रहता। तो इसलिए इतना एक्यूरेसी नहीं रहती। ये आप देख सकते हैं वो पूरा पानी बकेट से डाल रहे हैं। वो कैसा है वो ऑपरेटर देखता है अंदर में कि कॉन्क्रीटिंग कैसा हो रहा है, तो उसके हिसाब से वो पानी डालता है। इसमें कुछ स्टैंडर्ड यही नहीं रहता। वॉल्यूम बैचिंग वर्सेस वेव बैचिंग। हम सबसे पहले देखेंगे बैचिंग क्या है। बैचिंग एक प्रोसेस है जो कॉन्क्रीट के इंग्रेडिएंट्स को एक प्रपोर्शन में इकट्ठा करने की, एज पर मिक्स डिज़ाइन, एज पर जो भी वॉल्यूमेट्रिक या वेट जो भी रहेगा उसके हिसाब से एक प्रपोर्शन में इकट्ठा करना है, उसको हम बैचिंग बोलते हैं। इसके ग्रुपिंग बोल सकते हैं। इसमें एक्यूरेट मेजरमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है कॉन्क्रीट के लिए। अभी वॉल्यूम मैचिंग क्या है। वॉल्यूम मैचिंग जनरली जैसे इधर साइड में फर्मा दिख रहे हैं, फर्मा से किया जाता है। एक टाइप का एक फर्मा रहता है, वो फर्मा से एग्रीगेट्स और सैंड भरते हैं। और ये फर्मा का और इसका साइज सीमेंट का जो प्रपोर्शन है 35 लीटर का एक कंसिडर करते हैं, उसके हिसाब से ही एग्रीगेट्स और सैंड दोनों उतना ही वॉल्यूम लेते हैं। तो ये मेनली गेज बॉक्सेस या फर्मा से मेजर करते हैं। और इसमें पानी जो है, पानी वो क्या है कैन से मेजर करते हैं, जो पर्टिकुलर एक वेट वॉल्यूम रहता है उसका केजी और लीटर्स में। इसका क्वांटिटी जो भी रहेगा वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वांटिटी से उसको मेजर करते हैं। वे बैचिंग में कॉन्क्रीटिंग के जो इंग्रेडिएंट्स है वो जनरली मिक्स डिज़ाइन के हिसाब से रहते हैं। उनका वेट कैलकुलेशन करते हैं, जो भी सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर, इसका एक मिक्स डिज़ाइन के हिसाब से प्रॉपर वेट निकालते हैं। वो वेट के हिसाब से उसका बैचिंग करते हैं। जनरली बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में बैचिंग प्लांट्स यूज़ करते हैं, जैसे 30 क्यूबिक मीटर बैचिंग प्लांट, 60 क्यूबिक मीटर बैचिंग प्लांट, ऑटोमेटिक बैचिंग प्लांट या फिर मिनी बैचिंग प्लांट। कभी कभी कहीं कहीं जगह मैनुअल वे बैचिंग भी रहता है, सेमी ऑटोमेटिक वे बैचिंग भी रहता है, और कहीं कहीं जगह फुल्ली ऑटोमेटिक बैचिंग प्लांट भी रहता है। अभी हम देखेंगे ये दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले वॉल्यूम बैचिंग के कॉन्क्रीट जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो वॉल्यूम के हिसाब से बैच करते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर गेज बॉक्स या फिर वो गमीला उसके हिसाब से ये बैच करते हैं।
और वे बैचिंग में जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्रॉपरली वेट के हिसाब से बैचिंग करते हैं। वॉल्यूम बैचिंग में एक फरमास या फिर गेज बॉक्स जो रहता है उससे मेजर करते हैं कितना है, जैसे 1, 2, 4 है तो 1 सीमेंट है, 2 सैंड है, 4 एग्रीगेट है, तो उस हिसाब से ये मिक्स बनाते हैं। जनरली घमेला या फिर फार्मास यूज़ करते हैं। और वे बैचिंग में मेनली वे बैचिंग मशीन यूज़ करते हैं या फिर प्लांट्स रहते हैं वो यूज़ करते हैं। अभी बैचिंग जो वॉल्यूम बैचिंग में हम ये जो घमेला या फिर बॉक्स यूज़ करते हैं इसमें बहुत सारे एरर आने के चांसेस है, क्योंकि कभी कभी लेबर उसको एक साइज से फिलअप नहीं करते, कभी और थोड़ा ओवर भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है, तो उसमें थोड़ा एरर आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट कंक्रीट के ऊपर है, कंक्रीट के वर्कएबिलिटी और उसके प्रॉपर्टी के ऊपर होता है। नॉमिनल तो वे बैचिंग में कैसा है, नॉमिनल मिक्स रहता है। ये नॉमिनल मिक्स एक रेगुलर स्पेसिफिक वेट के हिसाब से बनाते हैं, तो उसमें अच्छा से कैलिब्रेशन किया हुआ इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, तो इसमें कंक्रीट का यूनिफॉर्मिटी और कंक्रीट का प्रॉपर्टी बहुत अच्छा तरह से पाया जाता है। वॉल्यूम बैचिंग में क्वांटिटी में जो वेरिएशन बहुत होने के चांसेस है, तो मतलब प्रोपोर्शन कम ज़्यादा होने के चांसेस है, ये थोड़ा मैन मेड प्रोसेस है, इसलिए थोड़ा उसका डायरेक्ट इफेक्ट स्ट्रेन के ऊपर होता है। जबकि वे बैचिंग में ये पूरा मशीन ऑपरेटेड है, इसलिए इसमें ज़्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं आता। वॉल्यूम बैचिंग में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट एक वाटर है, वाटर रिक्वायरमेंट जो डालते हैं वो लेबर अपने हिसाब से डालते हैं, तो कभी कभी वो कम ज़्यादा भी हो सकता है, या फिर वो कंक्रीट वर्केबल होने के लिए कभी भी ज़्यादा पानी भी डालते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होता है, कंक्रीट यूनिफॉर्म नहीं होता और डायरेक्ट स्ट्रेन के ऊपर असर होता है। वे बैचिंग में पानी मिक्स करने के लिए प्रिसाइसली एक वेट जैसे निकाला जाता है, वो स्पेसिफिक वो रिक्वायर्ड वाटर सीमेंट रेशो है, उस हिसाब से ये पानी का प्रोपोर्शन आता है और उस हिसाब से वे करके डालते हैं, तो इसलिए इसमें कंक्रीट में यूनिफॉर्मिटी आती है और वाटर सीमेंट रेशो भी मेंटेन होता है, जिसका इफेक्ट डायरेक्ट कंक्रीट की स्ट्रेंथ के ऊपर होता है। वॉल्यूम मैचिंग में कभी कभी जैसे मिक्स करते रहे बैचिंग, तो उसमें कम ज़्यादा मिस्टेक्स होने से या फिर इनकरेक्ट डोजेज होने के ज़्यादा चांसेस है, जैसे एडमिक्सचर वगैरह वो कम ज़्यादा होने के चांसेस है, इट इज़ मैन्युअल अप्रूटेड बाय अवर लेबर से, कभी कभी उसमें एरर आ सकता है। जबकि वे बैचिंग में एक स्पेसिफिक रहता है जिसमें ज़्यादा ओवररन होने के या फिर इनकरेक्ट डोजेज होने का कोई चांस नहीं रहता। वॉल्यूम बैचिंग में स्लम्प जो रहता है कंक्रीट का वो एकदम कम से एकदम ज़्यादा ऐसे वेरी होता है, जबकि वे बैचिंग में स्लम्प है वो कंक्रीट जनरली मीडियम से देखिए एकदम हाई स्लम्प तक वेरी हो सकता है। वॉल्यूम बैचिंग में अगर सेम मिक्स पोर्शन है, जैसे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ उस कंक्रीट का वॉल्यूम बैचिंग से किया हुआ कंक्रीट का कंपेयर टू वे बैचिंग कम आता है, 7 to 28 days क्यूरिंग एज में, जबकि वे बैचिंग में सेम मिक्स प्रपोर्शन का जो भी जैसे 1, 2, 4 हो गया या फिर 1, 1.5, 3 हो गया, मतलब M15, M20 whatever, तो उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 7 to 28 days क्यूरिंग में वे बैचिंग से जो भी कंक्रीट किया है वो हाई रहता है कंपेरेटिवली वॉल्यूम बैचिंग। वॉल्यूम बैचिंग में एडमिक्सचर्स डायरेक्ट वो मिक्स कंक्रीट के मिक्स में डालते हैं, इसमें कभी कभी क्या था बैचिंग का साइकिल थोड़ा स्लो होने का चांसेस है, जबकि वे बैचिंग में
एडमिक्सचर एक प्री वेट करके, मतलब पहले ही उसका वेट करके बाद में उसको एक रैपिड हॉपर से रैपिड डिस्चार्ज करके डालते हैं ताकि बैच साइकिल डिस्टर्ब ना हो। एडमिक्सचर्स एक वॉल्यूम बैच में एडमिक्सचर आना थोड़ा अलग अलग स्टेज में डिफिकल्ट है, तो इसलिए वो बैचिंग का सीक्वेंस में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। जबकि वे बैचिंग में एडमिक्सचर के डोसेज किसी भी स्टेज में हम बैचिंग में डाल सकते हैं और अलग अलग इसमें अलग अलग बैचिंग के इसमें डाल सकते हैं और उसका एकदम अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है। वॉल्यूम बैचिंग, वॉल्यूम बैचिंग में क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट में थोड़ा अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि जिस रेती या फाइन एग्रीगेट्स जो रहते हैं उसका बल्केज का भी असर हो सकता है, इसलिए इसका कॉन्क्रीट इधर यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट होने के चांसेस कम है। जबकि वे बैचिंग में कॉन्क्रीट एकदम यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट क्वालिटी रहता है। और वॉल्यूम बैचिंग एक लेस प्रिसाइज मेथड है, जबकि वे बैचिंग एक मोर प्रिसाइज मेथड है। वॉल्यूम बैचिंग में ज़्यादा स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं है, जबकि वे बैचिंग में ज़्यादा स्किल्ड लेबर चाहिए। वॉल्यूम बैचिंग बहुत ही इजी टू ऑपरेट है और वे बैचिंग थोड़ा ऑपरेशन में डिफिकल्ट है। वॉल्यूम बैचिंग में स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन थोड़ा स्लोअर है, क्योंकि मैन्युअली वॉल्यूम करके वो गेज बैग से फार्मा से कंक्रीट करते हैं, जबकि वे बैचिंग में स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन हाई है, क्योंकि वो मशीन से वेट करके पूरा इंग्रेडिएंट्स लाते हैं। वॉल्यूम बैचिंग का मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, मतलब बिल्कुल नील है, जबकि वे बैचिंग का मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है। वॉल्यूम बैचिंग एक बहुत ही चीपर और इकोनॉमिकल प्रोसेस है मेथड, जबकि ये वे बैचिंग थोड़ा एक्सपेंसिव मेथड है। अभी हमने कंपैरिजन देख लिया है वॉल्यूम बैचिंग और वे बैचिंग में, लेकिन ये बैचिंग हमको कौन सा लेना है, चॉइस ऑफ बैचिंग, ये मेनली वो कौन सा टाइप का जॉब है या फिर कौन सा टाइप का साइट है, क्वांटम कितना है, क्वांटिटी कितना है, उसका उसके बाद ही स्टैंडर्ड्स ऑफ बैचिंग परफॉर्मेंस उधर क्या क्या रेट चल रहा है, वो बैचिंग के प्रोडक्शन रेट क्या चाहिए, उसका उसके हिसाब से पर डे कितना क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट चाहिए या फिर कितना रिक्वायरमेंट है, क्वांटम है, प्रोजेक्ट कितना है, वो सब चाहिए, डिटेल चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। इसके साथ ही ट्रेडिशनल बैचिंग जो रहता है वो वॉल्यूम से होता है, और बैचिंग एक्यूरेसी अगर करना है तो उसके लिए वे बैच प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों हमने देख लिया कि वॉल्यूम बैचिंग और वे बैचिंग में क्या क्या डिफरेंसेस है, तो अभी कौन सा चॉइस करना है, वॉल्यूम बैचिंग लेना है कि वे बैचिंग लेना है, वो डिपेंड अपॉन दैट प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट का क्वांटिटी कितना है, उसका पर डे क्वांटिटी रिक्वायरमेंट कितना है, उसके ऊपर ही उसका डिपेंड रहता है। उसके साथ ही अगर ट्रेडिशनली कॉन्क्रीट करना है तो वॉल्यूम बैचिंग प्रेफर करते हैं, अगर बैचिंग में एक्यूरेसी चाहिए और स्पीडी कंस्ट्रक्शन चाहिए, फास्ट चाहिए, तो वे बैचिंग या फिर बैचिंग प्लान प्रेफर करते हैं। तो जनरली आजकल वे बैचिंग या फिर बैचिंग प्लान, मिनी बैचिंग प्लान, ऑटोमेटिक बैचिंग प्लान ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और वॉल्यूम बैचिंग उसी जगह अलाउ करते हैं जहाँ वे बैचिंग या फिर बैचिंग प्लान लगाना पॉसिबल नहीं है या फिर प्रैक्टिकल नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि वॉल्यूम बैचिंग और वे बैचिंग ये दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है और कौन सा बैचिंग हम लोग कवर इस्तेमाल करते हैं, कौन से कंडीशन पर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अब ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार मेरा आप चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मेरा चैनल देखते रहिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करते समय भी साइड में बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।